उसका नाम लोकेश था। एक दिन लोकेश के घर में उसका बेटा अखबार पढ़ते हुए, हाईवे में सड़क दुर्घटना। दत्त, ये क्या पिताजी, कल इसी हाईवे पर दुर्घटना हुई और आज भी हुई? क्यों नहीं होगा बेटे, कल जो अखबार तुमने पढ़ा था आज फिर उसी को पढ़ोगे तो ऐसा ही होगा। फिर पत्नी से, क्यों भाई, चाय तैयार है? लोकेश की पत्नी आकर, सवेरे सवेरे चिल्लाने से ही तुम्हें चैन मिलता है क्या? अच्छा, मैं तुम्हें एक सीधा सा सवाल करता हूँ, जवाब देना। तुमने सही जवाब दिया तो कल से मैं चिल्लाना बंद कर दूंगा। पत्नी मान गई तो लोकेश, अब बताओ तुम पागल हो, ये बात तुम्हारे घर वाले जानते हैं या नहीं? उसकी पत्नी समझ नहीं पाई कि क्या जवाब दे। और ऐसे फालतू बातें छोड़ो और कोई काम की बात करो। तुम अपने पति के बारे में नहीं जानती, अगले हफ्ते ही मेरा जो किस्मत है वो चमक उठेगा, राजयोग है, देखती जाओ। कुछ समय बाद लोकेश का दोस्त अरविंद उसके घर आया और, अरे लोकेश, अरे तुम भाग्यशाली हो यार, लकी ड्रॉ में तुम्हें रोड रोलर इनाम में मिला है। क्या, लकी ड्रॉ में रोड रोलर मिला है? अरे उसका मैं क्या करूंगा। ये क्या कह रहे हो यार, और नहीं तो क्या, रोड रोलर पर फिल्म देखने तो जा नहीं सकते, फैमिली के साथ शॉपिंग जा सकूंगा, वो क्या काम आएगा? ये अकड़ नहीं होनी चाहिए, अपने गांव में किसी के पास रोड रोलर नहीं है, यानी अपने गांव के जितने भी रोड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सब तुम्हें ही मिलेंगे यार। तुम सोचो। लोकेश सोचकर, अरे वाह, मैं तो सोच ही रहा था कि अपना राजयोग शुरू हो गया है, लगता है शुरू हो गया, चलो, कहकर वहां से चले। जब वे रोड रोलर के पास पहुंचे तो वहां कई कॉन्ट्रैक्टर्स मौजूद थे। सर, रोड रोलर जीतने पर आपको बधाई हो, अपने गांव में सड़क बनाने के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मुझे ही दें। सर, सारा कॉन्ट्रैक्ट मुझे ही दें सर, 50-50 पार्टनरशिप। तब लोकेश घमंडी होकर, देखिए ये पार्टनरशिप वगैरह मुझे नहीं चाहिए, जो मुझे ज्यादा पैसे देगा मैं उसे ही कॉन्ट्रैक्ट दूंगा। ये बात सुनकर एक कॉन्ट्रैक्टर, हम वो पैसे देने के लिए तैयार हैं, पहले ये तो बताओ कि क्या तुम रोड रोलर चलाना जानते भी हो? यू सिली मैन, मैं तो रोड रोलर के साथ स्केटिंग करता हूं। यूं कॉन्ट्रैक्ट हाथ आते ही लोकेश रोड रोलर में जा बैठा और, हे भगवान, तुम्हारी मदद के बिना ही मैं इतना बड़ा आदमी हो गया हूँ, मुझे और तरक्की मिले ऐसा मुझे आशीर्वाद दो, हे प्रभु। यूं प्रार्थना कर वो रोड रोलर स्टार्ट करने के लिए कोशिश करने लगा। इसे कैसे स्टार्ट करूं, यूं सोचते हुए उसने कई बटन दबा दिए। बस एकदम से रोड रोलर तेजी से आगे बढ़ने लगा। लोकेश, अरे ये क्या हो रहा है, इसका ब्रेक कहाँ है? कहते हुए स्टीयरिंग घुमाने लगा। स्टीयरिंग घुमाना बहुत मुश्किल है। अरे भाई हट जाओ, हटो हटो, कहकर चिल्लाने लगा। बस रोड रोलर को कंट्रोल नहीं कर पाया और वो पास वाले पार्किंग एरिया में जितने गाड़ियां पार्क थे उनके ऊपर चढ़ गया। वहां पार्क किए कार, बाइक सब पिचक गए। लोकेश, हाय रे, ये क्या हो गया? यूं सोच ही रहा था कि गाड़ियों के ओनर ने आकर उसे बहुत मारा। घर पर लोकेश की पत्नी, तुम तो बड़ी डिंगे मारते रहते थे कि तुम्हारा राज्य योग है, अब क्या हुआ? कम से कम अब तो अपने अकड़ को कम करो, नहीं तो तुम्हारा जेल जाना निश्चित है। कम से कम अब तो रोड रोलर किसी और से चलवाओ। अब बकवास बंद करो, मौके पे चौके मत मारो, तुम अपना काम करो। फिर अगले दिन रोड रोलर पर बैठकर जा रहा था कि थोड़ी दूर पर उसे ट्रैफिक सिग्नल दिखाई दिया। गाड़ी रोकने के लिए ब्रेक लगाया तो रोड रोलर रुकी नहीं। हे भगवान, ये क्या, रोलर रुक क्यों नहीं रही है? आए, अरे आए, अरे हाय हाय हाय, अरे हटिए हटिए हटिए, कहकर चिल्लाते हुए ट्रैफिक सिग्नल पर रुके पुलिस जीप में गाड़ी को चढ़ा दिया। पुलिस वाला, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम पुलिस की गाड़ी पर ही चढ़ाते हो, चलो थाने, कहकर उसे जेल में डाला।